हाय, कैसे हो? आज लेट हो गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आकर? जी हाँ, और आपके आज के फूल भी आ गए। थैंक यू। वेलकम। जितनी देर से आप आज सोए थे, मुझे लग नहीं रहा था आज आप उठेंगे। और अगर उठ ही गए थे तो जनाब थोड़ी देर पहले उठ जाते, नमाज से पढ़ लेते। वो तुम पढ़ लेती हो ना, मुझे पता है हमारे लिए फेरों दुआएं भी कर लेती हो। खारून, कल से मैं पढ़ूंगा। हाँ, पर आपकी ये कर कभी नहीं आने वाली, लेकिन आएगी। तुम दुआ करती रहो, आ जाएगी। बस एक बात तो बताओ जी, इस वक्त मेरे साथ जॉगिंग पे क्यों नहीं जाते? मैं आपके साथ जॉगिंग? और ये जो आपके दो बच्चे हैं आपके पीछे, ये इनको छोड़ के चले जाएं? सो रहे होते हैं। हारून, आपको पता है आपके बच्चे कैसे हैं? अगर उठ जाएंगे और अपने माँ बाप को पीछे नहीं देखेंगे तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। जानते हैं ना अपने बच्चों को। आप क्या लगती हैं, जो आपको बेहतर लगे। नाश्ते में क्या खाएंगे? नाश्ता एक प्रॉब्लम है, तुम जो भी बनाते हो इतना मजे का होता है, मैं खा जाता हूँ। कुछ भी बना लो, खा लेंगे यार। आपकी बातें। माहिन बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई है, आ जाओ। दिन चढ़ गया है, आ जाओ बेटा। बेटा आ जाओ। ओहो बेटा, सबसे पहले आके सलाम करते हैं। अबू, अभी 8 भी नहीं बजे और आपने आवाजें दे देकर मेरी नींद खराब कर दी है। इतनी नींद आ रही है मुझे। बेटा मैं तो ना सुबह नमाज के लिए उठ गया था और उसके बाद मैं तुम्हें आवाजें देता रहा। नमाज पढ़ के थोड़ी देर लेट क्यों नहीं जाते? बस बेटा तबीयत ठीक नहीं थी, नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए कहती हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करें, थकावट हो जाती है। अच्छा तुम ऐसा करो, मुझे नाश्ता बना दे। नाश्ता कैसे बनाऊँ अबू, घर पे ना डबल रोटी है ना अंडे हैं। बेटा आटा होगा ना फ्रिज में। भूल गए आप, कल रोटी बाजार से लेकर आए थे, आटा नहीं है गुंदा हुआ। बेटा 10 दफा खाया, तुम्हारे इम्तिहान खत्म हो गया, अब तो किचन का काम करना सीख लो। अबू मैं इसलिए आपके पास नहीं बैठती, जब बैठू आप लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। बेटा लड़कियों को ये काम सीखने पड़ते हैं। मुझे दिलचस्पी नहीं है इन कामों में। अच्छा वो नसीम खाला कह रही थी कि एक औरत है जो ना 2 घंटे के लिए आया करेगी और सालन और रोटियां बनाकर चली जाया करेगी और पैसे भी बहुत मुनासिब लेगी। माही। अबू। अच्छा मैं उसे खाना बनाना भी सीख लूंगी। मैं आपको चाय रस देती हूँ, लेकिन मैं हलवा पूरी खाऊंगी। अच्छा लाता हूँ।
मैं इंटरव्यू के लिए तैयार होने जा रहा हूँ, उसका यही नाश्ता लगा दे। हो गई तैयारी इंटरव्यू की? हाँ जी, मतलब आप दुआ कीजिएगा। अरे मेरी तो सारी दुआएं सिर्फ तेरे लिए। आज कुछ खास बन रहा है क्या किचन में? बहुत अच्छी खुशबू आ रही। हाँ भाई, काली मिर्च का दम का कीमा बना रही हूँ एहसान भाई के लिए, उन्हें बहुत पसंद है। तो चाहता है, माहीन बच्ची है अभी, उसे घरदारी में कोई खास दिलचस्पी नहीं, तो मैंने सोचा इंटरव्यू के लिए तो वही तो जा रहा है, दस्ते में देता जाना। फिर तो तुम अच्छी तरह से सोच लो। अरे क्या सोच ले अम्मी, आप टाइम निकाल कर जाएं और जाकर ना अपनी भांजी को कुछ सिखाएं, वरना वो तो यूं ही बच्ची बनी रहेगी और भाई को सब सिखाना पड़ेगा। तुम बेफिक्र रहो, सिखा दूंगी। तुम जैसी नालायकों को सिखा दिए तो उसे भी सिखा दूंगी। अरे बिन माँ की बच्ची है, उसे मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है, और देखना ऐसा सिखाऊंगी कि चार दिन में तुम लोगों को भी काट देगी इंशाल्लाह। आमीन। भाई तुम बोलो सुम आमीन। जी बोलता। तौबा है, तेरी जबान के आगे तो खंदक है, सोच समझ के बात नहीं कर सकती। अजीब अजीब बड़बड़ की जाती है भाई के सामने।